अमीर हादी, मम्मीज लिटिल सुपर हीरो, सो बहुत क्यूट है ये अमीर हादी। ये नाइस बेबी है मामा का। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम लोग बस में बैठ गए हैं। इतने जल्दी जल्दी आए ना हम लोग, हमें था कि बस मिस हो जाएगी। मेरा नाम मीर हादी और ये रहे मीर हादी के पापा। मीर हादी बिजी है और इतने हम लोग भाग भाग के आए ना, पसीना आ गया मुझे। शुक्र है बस भी पहुँच ही थी, एक मिनट में बस आ गई। अगर ये निकल जाती हम लोग लेट हो जाती, क्योंकि 2 बजे हमारा फोटोशूट है और अभी 1 हुआ है। तो होप्स हो गया हम लोग टाइम से पहुँच जाए। ये रहा मीर हादी और ये देखे मैंने इसको ना, इसका हेयर स्टाइल बनाया इस शने बीबी है। और इसका पूरा ब्लैक आउटफिट है और साथ में ये कोट है इसका, मामा और बाबा के साथ मैचिंग की है। ये रहा नदीम की स्वेटशर्ट और ये मेरी, तो मैचिंग करने की कोशिश की लेकिन अभी गर्मी लग रही है हमें। और एक एक आउटफिट हमारा साथ है। मौसम आज का अच्छा है लेकिन क्लाउडी है, लेकिन धूप है, गर्मी गर्मी सी है। बस से तो उतर गए हैं लेकिन आगे आई थिंक 10 मिनट का रास्ता है। मौसम अच्छा है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और ये वाला पर्टिकुलरली जो है ना एरिया, ये बहुत अच्छा है। ये किंग्स थॉर्प कॉलेज, एक ये भी है, ये कॉलेज है यहाँ पे। और ये देखिए कितना प्यारा है, मुझे ना इस्लामाबाद की वाइब आ रही है। खिलौने देखिए यहाँ पे, घर कितने खुले हैं। मैं यहाँ से जितना आप टाउन सेंटर के पास जाते हैं, लेकिन जगह बहुत है, स्पेस जैसे आगे गार्डन बना हुआ है। क्योंकि जितना आप टाउन सेंटर के पास जाते जाए ना, उतने ही वो तंग होता जाता है, बाजार होता है, बिल्डिंग्स हो जाती हैं, उस तरह से फ्लैट्स आ जाते हैं। हाँ, और लेकिन हाँ इधर फिर एक साइड एरिया है ना, कितना अच्छा घर है ये वाला। अच्छा, और फोटोशूट के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या है फोटोशूट। मैंने इंस्टाग्राम पे ना इनके पेज पे अप्लाई किया था और मुझे जो है वो ऑफ़र मिल गई थी, पिछले महीने ही मिली थी, लेकिन मीर हादी बीमार हो गया था जिसकी वजह से मैंने जो है ना अपनी अपॉइंटमेंट आगे करवा दी थी। तो आज भी मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ। रात को मीर हादी 3 बजे सोया, पता नहीं उसके साथ क्या मसला था, शायद उसको गैस का कोई प्रॉब्लम हो गया कुछ। लेकिन मैंने सोचा कि मैं चेंज करवा लूँ, फिर मैंने कहा आगे दिन ब दिन मौसम ख़राब होता जा रहा है, अभी जो है हम आ सकते हैं, बाद में फिर ठंड बहुत हो जाएगी। तो फिर इसलिए ये जो है ना इंस्टाग्राम के पेज पे मैंने अप्लाई किया था फोटोशूट के लिए, क्योंकि मीर हादी के साथ हमारा जब से मीर हादी हुआ हमने कोई फोटो शूटिंग करवाया प्रॉपर जैसे होता है। तो मैं कह रही हूँ कि मीर हादी के बड़े होने से पहले एक फ़ोटो तो हो ना, फ़ोन में तो बेशुमार हैं, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना प्रॉपर फ़ोटो शूट वैसे करवाना चाह रही थी। मेरा एक्सपीरियंस कैसा होगा यहाँ पे, उनकी इंस्टाग्राम पेज तो काफी अच्छा लग रहा था, काफी प्रोफेशनल है। A few moments later. यहाँ पे ज़ेन शॉट पे, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं काफी अच्छा है, स्टूडियो और पिक्चर्स भी काफी अच्छी है। तो होप्स हो के हमारा भी जो है वो फोटोशूट अच्छा आए। और वो देखिए वहाँ पे कितने प्यारे न्यूबॉर्न की फोटोशूट है, और हमारा देखें वो क्या कह रहा है मीर हादी। मीर हादी आर यू एक्साइटेड? यस मीर हादी, अगर तुम इतने एक्टिव फोटो शूट में ना हुए फिर देखना। फुट पड़नी है तुझे। अभी कितना एक्टिव है? देखो नीचे सर के नीचे से वो निकाल दिया। क्या है?
तो ये रहा मेरा दूसरा आउटफिट, ये मैं लेके आई थी ईद के लिए, लेकिन चूंकि नाना अबू की डेथ हो गई थी तो हमने ईद सेलिब्रेट नहीं की थी, इसलिए मैंने कपड़े नहीं थे पहने। तो मैं आगे ये सोच रही थी कि मैं इतना सूट ले आई हूँ फैंसी, लेकिन मैं पहनूंगी किधर, लेकिन देखिए मुझे मौका मिल गया पहनने का। और मीर हादी के भी मैंने कपड़े चेंज करा लिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दूसरा आउटफिट मीर हादी का कौन सा। और ये पुप्पू सरीन ने मीर हादी को गिफ्ट किया था, तब हमें पता नहीं था कि हम इस फोटोशूट में इसको पहनाएंगे, लेकिन अभी इसको पूरा है और अच्छा हो गया। अभी इसमें बहुत अच्छा आएगा क्योंकि उस जो जंपर है उसके ऊपर मीर हादी का नाम लिखा हुआ है। और थैंक यू पुप्पू आपके लिए, आपने इतना स्पेशल बनवाया सब कपड़ों में ना, सब ने गिफ्ट दिए लेकिन ये एक स्पेशल वन है जो कोई एफर्ट करके आपके लिए आपको गिफ्ट देता है, तो थैंक यू मीर हादी। ये देखें जी, ये रहा मीर हादी का सेकेंड आउटफिट वाइट में, नदीम का भी वाइट है और मीर हादी का भी। इस पे ये देखें काफ़ी बने में ट्रैक्टर और पता नहीं क्या क्या, और इसमें मीर हादी लिखा हुआ है। और ये रहा, नहीं पहन लो आप, आपका और मीर हादी का तो सही हो जाएगा ना। और ये देखें मीर हादी मम्मीज लिटिल सुपर हीरो, सो बहुत क्यूट है ये। और मैं जूते लाने की याद नहीं, मुझे मैंने इतने अच्छे निकालेगा फिर मैचिंग। और ये रहा मीर हादी, हेलो। और बाबा मीर आए, आपको भी दिखाती हूँ, नदीम नदीम का भी बाइक है, आ जाओ। ये रहे बाबा मीर हादी के बाबा और मीर हादी। नदीम ने जो है वाइट शलवार कमीज़ अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पाकिस्तान से मंगवाई है, और नदीम का और मीर हादी का सेम सेम हो गया, क्यूट। ओ मीर हादी, ये मीर हादी, नो, हेलो हेलो हेलो, वन फ्लाई फ्लाई, ये मीर हादी, हे। वापस हमारा शूट हो गया है डन, और दोबारा सेकंड अपॉइंटमेंट है हमारी जब हम वो पिक्चर्स देखने आएंगे और वो थोड़ा सा सिनेमैटिक व्यू में हमें दिखाएंगे वो प्रोजेक्टर में। और उसके बाद हमें जो है वो एक फ़ोटो सेलेक्ट करनी है फ्रेम के लिए, और बाकी सॉफ्ट के लिए हमें जो है ना उनको पे करना पड़ेगा ऑब्वियसली। हाँ मेरे पास ना मेरा अपना कार्ड है, तो हाँ ये देखें, अगर हमने सारी करनी हुई ना डिजिटल तो 1700 pounds है, और एक जो है 200 pounds जो कि हमें वाउचर मिला है ये हम लोग करवाएंगे। और अगर हमें 15 पिक्चर्स चाहिए सॉफ्ट में तो 1200 लगेंगे, 950, 650 इस तरह से 10, और ये मतलब ये हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि हमने कौन सी पिक्चर फ्रेम करवानी है और कितनी फ़ोटोज़ हमें चाहिए सॉफ्ट में। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ओबियसली ज़्यादा तो नहीं हम करेंगे क्योंकि 1200 pounds है। तो बस एक एक्सपीरियंस के लिए मैंने कहा था जाती हूँ देखती हूँ, और एक पिक्चर जो है वो हम ऑनलाइन फ्रेम करवा लेंगे यादगार के लिए। ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं, अभी हम लोग जाएंगे घर, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।